यानी कि स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अगला चैप्टर, जिसका नाम है क्या, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन उससे पहले जो बैलेंस शीट के नीचे एक टर्म दिया हुआ है जिसका नाम पेटी कैश है। क्या नाम है? पेटी कैश। पढ़े थे आप लोग घर पे पेटी कैश क्या होता है? क्या होता है पेटी कैश? हाँ, जो पेटी में डाल के रख दिया जाए। पेटी कैश का मतलब समझिएगा बहुत ध्यान से। आप जानते हैं इस संस्था के ऑनर है पुष्कर सर। किसी कारणवश वो अपने घर जा रहे हैं और उन्होंने मुझे 10,000 रुपया दिया और बोला, सर्वे इस संस्था के जो भी खर्चे होंगे, छोटे छोटे खर्चे जैसे टीचर लोग को अगर कुछ खाना हो या पेन पेपर वर्क या पेज ऐसा कुछ चीज चाहिए, मिसलिनियस एक्सपेंस, छोटे छोटे खर्चे इसी पैसे से हैंडल करना। इसी 10,000 रुपए से तुम इस संस्था के जो भी छोटे छोटे खर्चे होंगे उसको क्या करना, मैनेज करना। बड़े खर्चे नहीं हो पाए, सिर्फ छोटे छोटे खर्चे मैनेज करना। तो ऐसे पैसे को हम पेटी कैश कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटी कैश कहते हैं। याद रखिएगा कि अगर आपको कोई एक मुफ्त पैसा दे दे और बोल दे कि मेरे अब्सेंस में इन पैसे का यूज छोटे छोटे खर्चों के लिए करिएगा, उसे हम बोलते हैं पेटी कैश। क्या बोलते हैं? पेटी कैश। और जो अंडर ग्रुप कैश का होता है वही अंडर ग्रुप पेटी कैश का भी होता है। यानी कोई पूछेगा पेटी क्या कैश क्या होता है, कहिएगा जिससे हम मिसलिनियस एक्सपेंस कर पाए। मिसलिनियस क्यों कहा गया है? मिसलिनियस का मतलब होता है बहुत सारे। जैसे मिसलिनियस टाइप क्वेश्चन होते हैं, एक आप क्वेश्चन चार ऑप्शन पूछे, मिसलिनियस का मतलब होता है बहुत सारे ऑप्शन हो गए। अगर उनका करते हैं आप बहुत सारे एक्सपेंस करते हैं, मिसलिनियस एक्सपेंस करते हैं। मिसलिनियस एक्सपेंस का मतलब छोटे छोटे बहुत सारे खर्चे, छोटे छोटे। लेकिन जैसे अब मुझे जनरेटर लेना है 5 लाख का, तो ये थोड़ी है 5 लाख का हम जनरेटर लेंगे, वो छोटे खर्चे में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन वही चाय पानी का अगर पैसा देना है, चाय पकौड़ी मंगानी है या पेन पेंसिल मंगाना है, मार्कर मंगाना है, मतलब ऐसी जो भी छोटी छोटी चीजें हैं, तो उसे हम बोलेंगे मिसलिनियस एक्सपेंसेस, ठीक है। तो पेटी कैश का यूज किस लिए किया जाता है? मिसलिनियस एक्सपेंसेस के लिए किया जाता है, याद रहेगा। और जो अंडर ग्रुप कैश का होता है वही अंडर ग्रुप पेटी कैश का भी होता है। कोई पूछेगा पेटी कैश तो समझाइएगा उसे कि क्या होता है पेटी कैश, ठीक है। लिखा हुआ हुआ है मिसलिनियस एक्सपेंसेस सच एज कन्वेंस हो गया, कार्टेज हो गया, पोस्टेज हो गया, टेलीग्राम हो गया। मतलब अगर पोस्ट करना है तो 100 रुपया लगेगा पोस्ट कराने का, तो 100 रुपया क्या है, छोटा खर्चा है। सो वन आर कॉमन द एवरी वन का ऑर्गेनाइजेशन, जो सारी संस्था के लिए है। दीज आर द जनरली रिपीटिटिव एंड इट वुड बी बर्डन कैशियर टू रिकॉर्ड ऑल दिस पेमेंट इन मैन कैश बुक। जैसे क्या होता है, जो कैशियर होता है हमारे बिजनेस का, उसके लिए बहुत दिक्कत होती है छोटे छोटे खर्चे रिकॉर्ड करना। तो इसलिए क्या किया जाता है, पेटी कैश में कुछ पैसा डाल दिया जाता है और उस पैसे से क्या करते हैं कि छोटे छोटे खर्चे को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं और वहां वो चीज रिकॉर्ड है, ठीक है। यही सारी चीजें हैं। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अगला चैप्टर जिसका नाम है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको पता ही है कि जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, क्योंकि मोदी जी के आज सारे काम आधी रात को होते हैं, ये भी देर रात में ही चीजें लागू की गई थी। और जीएसटी से पहले भी कोई टैक्स लगता था क्या? जीएसटी से पहले भी कोई टैक्स लगता था क्या ज्योति? लगता था क्या? लगता था वैट। क्या नाम था उसका? वैट नाम था, जिसे बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। लिख लीजिएगा, जीएसटी से पहले क्या लगता था? वैट लगता था, जिसे बोलते थे वैल्यू एडेड, ADD, एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। हो गया। चलिए अब लिखिएगा इसका पूरा नाम, वैल्यू एडेड टैक्स लिख लीजिएगा।
मतलब जीएसटी से पहले अगर कोई पूछेगा तो बोल दीजिएगा वैट चलता था, क्या चलता था, वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स चलता था, याद रहेगा ना। ठीक है, और अभी बात है जीएसटी की, कारण क्या था कि पहले कहीं ना कहीं टैक्स की बहुत चोरी होती थी, और एक और बात है कि अगर हम कोई काम तुरंत कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि अगर हम किसी चीज को टालते हैं तो टालते रह जाते हैं और फिर वो चीजें नहीं हो पाती है, कभी कभी ऐसा भी होता है। अगर कोई काम हम तुरंत चाहते हैं अब तुरंत कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वही चीजें टालते रहते हैं तो बहुत टाइम लगता है। तो वैसे ही हाल टैक्स को लेके भी था, लोग कहीं ना कहीं इसकी बहुत चोरी करते हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा, गवर्नमेंट कोई भी बनती है तो जो भी खर्चे मैनेज करती है या फिर जो भी चीजें हैं वो कहाँ से मैनेज करती है, घर से थोड़ी पैसे लाती है, पब्लिक से ही पैसे लेती है और पब्लिक में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। मतलब अगर आपकी अर्निंग बहुत ज्यादा है, आप ज्यादा रिवेन्यू करते हैं, तो फिर आपसे टैक्स के रूप में कलेक्ट करती है और वही पैसे आपको अलग अलग स्कीम के तहत डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, चाहे वो स्कॉलरशिप हुआ, चाहे कोई भी चीज हुआ, सारी चीजें। जो लोग कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं आपने देखा होगा, जितने बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं सब स्कॉलरशिप का फॉर्म डालते हैं, सबके स्कॉलरशिप भी आते हैं। रेयर है कि जब फंड इनसफिशियंट हो जाता है तो कुछ लोगों का पैसे नहीं आते, वो अलग एक्सेप्शन है, लेकिन पैसे आते हैं। तो जितनी फीस आपने जमा की लगभग 80% 70% फीस रिकवर हो जाती है। सोचिए गवर्नमेंट आपको फ्री में पढ़ा रही है, और थोड़े बहुत लोग तो है नहीं, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है अपने उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो। ये सारी चीजें हैं, तो गवर्नमेंट कोई भी होगी, और सीधी सी बात है कि जैसे जैसे जनरेशन बदलेगा महंगाई तो आएगी ही आएगी, चाहे कोई भी गवर्नमेंट क्यों ना आ जाए। कल जो चीजें 5 रुपए में मिलती थी आज वो 50 में मिल रही है, 10 में मिल रही है, 20 में मिल रही है, वो कॉमन है, वो तो होना है, वो तो कोई भी गवर्नमेंट आ जाएगा। अभी नहीं ना कि जो 25 साल पहले के जमाने में जो 1990 में चलता था वही रेट चलेगा इस टाइम, कभी भी चल पाएगा, चाहे कोई भी गवर्नमेंट बना लीजिए, नहीं हो पाएगा। लेकिन लोग बहकाने के लिए अलग अलग स्पीसीज देते रहते हैं, ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो भाई पहले लोग 75 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया, 150 रुपया सैलरी पाते थे, ये सैलरी होती थी 175 रुपया, 200 रुपये, और अभी सैलरी लाखों पैकेजेस आ रहे हैं, करोड़ों की पैकेजेस आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसे जैसे जनरेशन बदल रहा है चीजें महंगी होंगी, हर कोई अमीर बनना चाहता है। ठीक है, तो जीएसटी लागू करने का एक ही तात्पर्य था कि आप गुड्स के साथ ड्यूरी, मतलब जैसे आप गुड्स परचेज कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं उसी ड्यूरेशन में आप उसको जो भी है गवर्नमेंट को क्या कर दे, टैक्स पे कर दे, क्या कर दे, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दे। एक बात याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए हम कुछ 100 रुपये का सामान खरीद रहे हैं, और कोई जो भी आइटम खरीद रहे हैं, मान लो यही आइटम, ये आइटम, यही आइटम खरीद रहे हैं 100 रुपये में, और इस पर हमें 5% टैक्स देना है, तो बाद में अब जाहिर सी बात है 100 में खरीदे तो 100 में तो बेचेंगे नहीं, लेकिन याद रखिएगा बढ़ा के ही बेचेंगे, तो मान लो 120 में ही बेच रहे हैं तो इस पे भी टैक्स इतना ही कलेक्ट करेंगे, क्योंकि टैक्स का जो रेट होता है, दर होता है, वो नहीं बदलता है, इसको नहीं बढ़ा सकते हैं आप। अमाउंट बढ़ा लीजिए 100 से 150, 200, वो समझ में आता है, लेकिन ये जो दर है, रेट है, 5% अगर दिए हैं तो 5% ही कलेक्ट भी करेंगे, ये दर नहीं बदलती, ये हमेशा बराबर होती है, सामान खरीदेंगे या बेचेंगे आप दर नहीं बदल सकते हैं। अमाउंट बढ़ा के बेच लीजिए कि 100 की चीज हम 200 में बेच दिए, 150 में बेच दिए, वो समझ में आता है, लेकिन आप रेट को इंक्रीज नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ये दिमाग में रखिए। ठीक है, क्या दिया है, चलिए पढ़ते हैं, कह रहा है इट इज, और एक और बात कोई पूछ, जैसे टैक्स कितने टाइप के होते हैं, टैक्स टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, याद रखिएगा दो टाइप के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, टाइप आप जीएसटी अलग है और टैक्स अलग है, कोई टैक्स पूछ रहा है तो आप दो ही बताएंगे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, यानी जो प्रत्यक्ष रूप से लगेगा वो डायरेक्टली कहलाएगा और जो अप्रत्यक्ष होगा वो इनडायरेक्ट कहलाएगा, वो चीजें मैं आगे एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी कह रहा है इट इज इनकम ऑफ गवर्नमेंट, क्या है ये, क्या है, एक इनकम है, किसकी इनकम है, गवर्नमेंट की, विच इज कलेक्टेड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो किस तरह से कलेक्ट किया जाता है, चाहे डायरेक्ट मेथड से या इनडायरेक्ट मेथड से कलेक्ट किया जाता है। इन अदर वर्ड वी कैन से देन ए टैक्स इज ए फाइनेंशियल चार्ज, टैक्स क्या है, एक फाइनेंशियल चार्ज है, फाइनेंशियल का मतलब वित्तीय वर्ष का, साल का चार्ज है आपका,
जो किसके द्वारा इम्पोज किया जाता है, किसके द्वारा लगाया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल यानी कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ये टैक्स की जे फी, टैक्स क्या है, एक फी है विच इज चार्ज बाई गवर्नमेंट टू पर्सन और बिजनेस। टैक्स क्या है, एक फी है जो गवर्नमेंट के द्वारा या तो आप पर यानी पर्सन पर या आपके व्यापार यानी बिजनेस पर क्या किया जाता है, लगाया जाता है। ठीक है, कह रहे इंडिया इज अ फेडरल कंट्री वेयर बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेवी द करेक्ट टैक्सेस। यानी इंडिया एक बहुत व्यापक देश है जहाँ दोनों को अधिकार दिया गया है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को टैक्स कलेक्ट करने का। ठीक है, कह रहे बिफोर द जीएसटी अकॉर्डिंग टू द पावर प्रिस्क्राइब्ड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन द सेंट्रल कैन लेवी टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विस, द स्टेट कैन लेवी द टैक्स ऑन द सेल्स ऑफ गुड। इसका मतलब क्या कह रहा है, बिफोर द जीएसटी अकॉर्डिंग द पावर प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो भी आपका जीएसटी है वो एक उसके द्वारा लगाया जाता है, एक्ट क्या बोलते हैं, प्रावधान प्रोविजन यानी कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के मुताबिक। आपको क्या लगता है जो टैक्स उक्स लिया जाता है आपसे उसका भी जिक्र संविधान में किया गया है? ठीक है, जीएसटी का भी संविधान 101 या 112 ऐसा कुछ करके है, उस संविधान में इसका जिक्र किया गया है कि आपसे टैक्स लिया जाएगा। ठीक है, जिससे पहले टैक्स, पहले लोग हम लोग लगान नहीं देते थे, लगान लगान देते थे ना अंग्रेजों को, वैसे अब गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, वही चीज। और कह रहा है कि सेंट्रल कैन लेवी टैक्स ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, और जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो कहाँ टैक्स लगाती है, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। मैन्युफैक्चर का मतलब जहाँ गुड्स का उत्पादन होता है, बनाया जाता है, उस पर टैक्स लगाती है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विस एंड स्टेट कैन लेवी टैक्स ऑन सेल्स ऑफ गुड, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है राज्य सरकार होती है वो जब आप सामान को बेचते हैं उस पर टैक्स लगाता है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कब टैक्स लगा रहा है, जब उत्पादन हो रहा है, और स्टेट गवर्नमेंट कब टैक्स लगा रहा है, जब उसको बेचा जा रहा है, चाहे गुड्स या सर्विस को जब बेच रहे हैं तो उस पर स्टेट गवर्नमेंट अपना लगा रहा है चार्ज जो भी है, और जब उस चीज का उत्पादन कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम कर इम्पोज कर रहा है। समझ में रहेगा ना ये बात? ठीक है, अब कितने टाइप के टैक्स होते हैं, दो टाइप के, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। करें डायरेक्ट टैक्स इज द वन इन विच द इंसिडेंट इंसिडेंस है ना, हाँ इंसिडेंस ऑफ टैक्स ले टू सेम पर्सन एंड विच कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। यानी कि अगर हम बात करें तो सिर्फ दो पर्सन की बात हो रही है, मतलब इन्होंने डायरेक्टली इनको उनको दे दिया, मतलब वो टैक्स किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है या किसी थर्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जिसे हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट टैक्स बनेंगे। मतलब किसी और पे शिफ्ट नहीं किया जा रहा है, किसी अनदर पर्सन पे शिफ्ट नहीं किया जा रहा है, उसे क्या बोलेंगे, डायरेक्ट टैक्स। लेकिन ऐसा टैक्स जहाँ शिफ्टिंग हो जा रही है एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, उसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कि जीएसटी, जीएसटी आप कलेक्ट कर रहे हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं ना आप लोग, अरे बेचते हैं तो कलेक्ट करते हैं, खरीदते हैं तो देते हैं, दोनों काम कर रहे हैं ना, तो जीएसटी कौन सा टैक्स हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट हो। देखिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, मतलब जो टैक्स कहीं किसी थर्ड पर्सन पर शिफ्ट कर दिया जाए समझिए वो इनडायरेक्ट है, और जो आप बस मुझे ही देखिए खत्म हो गई बात, वो क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। वही बात यहाँ पे कह रहा है, जैसे आरटीओ में या इनकम टैक्स आप देते हैं, आप गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स पे में करते हैं और वो टैक्स वहां से कहीं नहीं जाता है तो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट टैक्स। या आरटीओ में दे रहे हैं, आरटीओ में टैक्स दे रहे हैं वो भी डायरेक्ट टैक्स होगा, या म्यूनिसिपल जो होता है आपका म्यूनिसिपल पार्टी को टैक्स टैक्स देते हैं वो भी आपका डायरेक्ट टैक्स होगा, क्योंकि आप उसको दे दिए, वो भी एक गवर्नमेंट है, उसके बाद किसी को देना ही नहीं है, लेकिन आप किसी से परचेज कर रहे हैं तो उसको टैक्स दिए हैं, आप बेचेंगे तो टैक्स लेंगे, फिर वो भी किसी को बेचेंगे तो वो भी टैक्स लेगा। समझ रहे ना बात को, तो ये सिलसिला चलता रहता है, जिसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोला जाता है, इनडायरेक्ट। दिमाग में रखिएगा, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, जीएसटी लिखा ही हुआ है, जीएसटी ये हाईलाइट कर लीजिएगा, जीएसटी जो है आपका ब्रैकेट में इनडायरेक्ट टैक्स है। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं क्योंकि लगता है गवर्नमेंट लगाती है तो डायरेक्ट मान लेते हैं, लेकिन जीएसटी जो है वो क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है, याद रखिए, हाईलाइट कर लीजिएगा इसको। अभी इस चीज आप लोग के लिए पढ़ने के लिए दिया है, चाहे तो आप पढ़ेंगे आराम से। कह रहा है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड जीएसटी के बारे में, कह रहा है इंडिया इज द फेडरल कंट्री वी आर वो सेंट्रल, वही बात फिर से रिपीट करेगा, वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट
वेयर द बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू लेवी द एंड कलेक्टेड टैक्सेस, मतलब दोनों गवर्नमेंट को ये अधिकार है जो क्या कर सकता है, टैक्स कलेक्ट कर सकता है। और कब इंट्रोड्यूस किया गया था, और पहला राज्य था जो भारत का जिन्होंने इस नियम को पारित किया था, जीएसटी बिल को पहले किया जाता है ना, नियम बनाए आप लागू करें ना करें, तो जो पारित करने वाला था वो था असम। पहला राज्य कौन सा था, असम था, याद रखिएगा। करें जीएसटी ये बिजनेस रिफॉर्म एंड बियॉन्ड जस्ट मॉडिफिकेशन ऑफ द रेट ऑफ टैक्स, जीएसटी चेंजिंग प्रोसेस कॉम्प्रिहेंसिव देयर बाय द रिजल्टिंग इन द वे बिजनेस ऑपरेट। कह रहा है जीएसटी जो बिजनेस का है वो किसके बियॉन्ड है, मॉडिफिकेशन का। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज को सुधार करना या फिर जो भी है, मॉडिफाई का मतलब एडिटिंग करना, ठीक है। जीएसटी रेट की बात किया है, और एक बात जो मैंने अभी जस्ट कहा कि आप अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं लेकिन रेट को क्या होगा, फिक्स होगा। जैसे जीएसटी के कुछ स्लैब दिए हुए हैं, क्या क्या स्लैब होता है, एक 5% का होता है, एक 12 का होता है, एक 18 का होता है, और एक 28 का होता है। बस यही स्लैब होते हैं जीएसटी को, उसके अलावा स्लैब नहीं, यही 4 स्लैब जीएसटी की यूज किया। इसके अलावा कोई कहते हैं 7% टैक्स देना है, जीएसटी देना है, सही हो गलत है, यही रेट चलता है 5, 12, 18, 28, ठीक है, दिमाग में रखिए 7, 6, 10। ठीक है, ये सारी बातें दी गई हैं। अब यहाँ बताया है जीएसटी क्यों लागू करते हैं, करा द इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लिए क्या क्या है, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, अदर सेसेस हैं, सेसेस वगैरह लगते हैं एजुकेशन पे, ये टैक्स है अभी, और इससे पहले आपका वेट था जो भी था, ये सब बातें यहाँ पे समझाई जाएंगी आपको, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डुअल जीएसटी मॉडल, क्या पढ़ेंगे, डुअल जीएसटी मॉडल क्या पढ़ेंगे, क्या डुअल जीएसटी मॉडल के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को टैक्स लगाने और टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार दिया गया। वही बात बार बार रिपीट करती रहेगी, दोनों को क्या अधिकार दिया गया है, पावर दिया गया है, पावर ऑफ अटॉर्नी किया कि आप टैक्स लगा सकते हैं और कलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले बुक वगैरह पे जीएसटी नहीं लगता था, पहले बुक वगैरह पे जीएसटी नहीं लगता था, अगर आप किसी चीज पे जीएसटी नहीं लग रहा है तो अकाउंटिंग टर्म में उसे हम एग्जेम्प्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एग्जेम्प्ट, याद रखिएगा, अगर किसी पे टैक्स नहीं लग रहा है तो उसे अकाउंटिंग टर्म में हम बोलते हैं एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है कर मुक्त, क्या होता है इसका मतलब, कर मुक्त, यानी कि ऐसी वस्तु जिस पे कर यानी टैक्स ना लगे उसे हम बोलते हैं इंग्लिश में एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है, कर मुक्त होता है, यानी कि इस पे कोई कर नहीं लगे। तो पहले बुक पे कोई टैक्स वगैरह नहीं लगता था लेकिन अब लग रहा है 18% का लग रहा है, ठीक है। चलिए, तो वही बात यहाँ पे कहा है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पे निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती। ये डुअल जीएसटी मॉडल, डुअल जीएसटी मॉडल के अनुसार दोनों गवर्नमेंट को अधिकार दिया गया है, टैक्स लगा सकते हैं और कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट पे निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती। सप्लाई क्या है, जीएसटी में सप्लाई सब बहुत व्यापक है, दो तरीके से सप्लाई किया जा सकता है, एक तो सप्लाई या गुड्स, अरे भाई आप बताओ आप कितनी कितनी चीजें बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं, दो चीजें, जैसे अगर मैं फ्रिज खरीदूं तो क्या खरीद रहा हूँ, गुड्स खरीद रहा हूँ, क्या खरीद रहा हूँ, गुड्स खरीद रहा हूँ, और वही उसकी सर्विसिंग करानी है तो क्या खरीद रहा हूँ, सर्विस खरीद रहा हूँ, मतलब आप दो चीजें खरीद सकते हो, या तो आप सामान खरीदेंगे या तो क्या खरीदेंगे, सर्विस करेंगे, या तो आप गुड्स कर देंगे या तो सर्विस, जैसे मैंने अगर एसी लगवाया तो हमने एक गुड्स लगवाया, एसी की सर्विसिंग करवा रहे हैं तो क्या है, सर्विस ले रहे हैं, समझना रही बात ना, टीजीएस खरीद लिया तो गुड्स खरीदा, टीजीएस सेट करवा रहे हैं सर्विस खरीद रहे हैं, तो दोनों बात है, तो दो चीज आप खरीदते हैं, सप्लाई दो टाइप की होती है, एक आप गुड्स और एक सर्विस, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा सुनिएगा, सप्लाई आप गुड्स और सप्लाई आप सर्विस, जब हम किसी गुड्स को सेल करेंगे सप्लाई आप गुड्स कहलाएगा, जब हम किसी सर्विस को सेल करेंगे तो क्या कहलाएगा, सप्लाई आप सर्विस। जैसे मान लो हमने टीवी बेच दिया तो हमने सप्लाई ऑफ गुड्स किया, हमने टीवी सेट कराने के लिए अपने पास से टेक्नीशियन भेज दिया तो क्या किया, सप्लाई ऑफ सर्विस किया, समझा की बात ना। चलिए अगला है टाइप ऑफ सप्लाई, ये भी टाइप ऑफ सप्लाई है,
ये बेचने की बात हो रही थी, और ये टाइप ऑफ सप्लाई दो होती है, एक लोकल सप्लाई होती है जिसे इंट्रा सप्लाई बोला जाता है, और एक होती है इंटर स्टेट सप्लाई। अब समझिएगा, थोड़ी बात बहुत ध्यान वाली है, विंडो के साथ आर नोट पैड तो ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आप कहाँ के हैं ये मैटर नहीं करता, आप कहाँ से हैं ये मैटर नहीं करता है, आपका बिजनेस कहाँ है ये मैटर करता है। अच्छा, आपको भी पता है कि भारत में 28 राज्य हैं, पता है ना, तो सब अलग अलग राज्य में अपना बिजनेस करते हैं, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये मैटर नहीं करता है, आपका बिजनेस किस राज्य में किए हैं ये मैटर करता है। ठीक है, अगर आप सेम स्टेट से, जिस स्टेट में आपका बिजनेस है और उसी स्टेट से आप क्या कर रहे हैं, स्टेट ना, उसी स्टेट से आप क्या कर रहे हैं, परचेज या सेल्स कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट। क्या बोला जाता है, इंट्रा स्टेट, लिखिएगा मत, पहले समझिएगा। ठीक है, और अगर अपने स्टेट के अलावा यानी किसी अदर स्टेट से आप क्या करते हैं, परचेज या सेल्स करते हैं, तो उसे हम इंटर स्टेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, देखिए उसको इंट्रा और इसको क्या बोल रहे हैं, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना। अच्छा, इंट्रा स्टेट को लोकल सप्लाई कहा जाता है। क्या बोला जाता है, क्योंकि अपने ही राज्य में बेच रहे हैं ना, अपने ही राज्य में मैसेज करते हैं तो लोकल बोला जाता है, और अदर करते हैं तो स्टेट बोला जाता है, यानी कि इंट्रा स्टेट ही बोला जाता है। याद रखिए, इसमें लोकल की जगह कुछ और नहीं है, इंटर स्टेट ही बोला जाता है। याद रखिएगा कि अगर अपने ही राज्य में, सेम स्टेट में, जैसे हमारा बिजनेस उत्तर प्रदेश में है और हम उत्तर प्रदेश से ही कोई चीज परचेज या सेल कर रहे हैं यूपी से, तो उसे क्या बोलेंगे, लोकल सप्लाई बोलेंगे कि इंटर स्टेट बोलेंगे, लोकल बोलेंगे, यानी लोकल को और क्या बोल सकते हैं, इंट्रा स्टेट बोल सकते हैं, और अदर राज्य को क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट बोलेंगे, इंटर स्टेट ही बोलेंगे, दोनों माध्यम से इंटर स्टेट ही बोला जाता है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जीएसटी के भी अभी टाइप आप पढ़ेंगे, चार टाइप की जीएसटी होते हैं, सी जीएसटी, अच्छा एस जीएसटी, आई जीएसटी, और चौथा जो होता है वो होता है यूटी जीएसटी। क्या होता है, यूटी जीएसटी, लेकिन ये जीएसटी अपने वहां यूज नहीं होता है। क्यों, क्योंकि यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश होता है, यानी जो राज्य केंद्र शासित है वहां लगता है, अपने वहां यही तीन लगता है, अपने वहां क्या लगता है, यही तीन। तो समझिएगा, जहां लोकल होगा वहां दोनों लगता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। कहाँ पे लगता है, लोकल आप कोई चीज करेंगे तो, यानी अपने राज्य में करेंगे, और अदर स्टेट में करेंगे तो, अदर स्टेट में करेंगे तो क्या कहलाएगा, क्या देंगे, आईजीएसटी देंगे। याद रखिए, अब बताइए, सुनिएगा, अगर आपका बिजनेस उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश से ही परचेज या सेल्स कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, लोकल सप्लाई या इंट्रा स्टेट बोलेंगे, उस पर कौन सा टैक्स देंगे, सीजीएसटी। अच्छा, आपका बिजनेस उत्तर प्रदेश में है और आप दिल्ली से कोई चीज परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, उससे पहले क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई, और उस पर कौन सा टैक्स देंगे, समझ में आ गई बात ना, यही याद रखना है, और वही बात यहाँ पे समझाया गया। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि यदि हम गुड्स या सर्विस को अपने ही स्टेट में सेल करें तो सप्लाई क्या कहलाएगा, इंट्रा स्टेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, या उसे लोकल सप्लाई भी कह सकते, अगर अपने ही राज्य में, जैसे समझिएगा कि हमारा राज्य मुंबई है, हमारा बिजनेस कहाँ है, और मुंबई से कोई चीज परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो क्या होगा, लोकल ही कहेंगे, मतलब हमारा बिजनेस भी मुंबई में है और परचेज सेल्स भी मुंबई से कर रहे हैं, है ना, तो हम कहाँ से हैं ये मतलब नहीं है, बिजनेस कहाँ है ये मतलब है, तो महाराष्ट्र में ही बिजनेस है और महाराष्ट्र में ही सेल कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसे लोकल बोलेंगे यानी इंट्रा स्टेट बोलेंगे, और महाराष्ट्र में बिजनेस है और उत्तर प्रदेश से खरीद रहा है तो उसे अदर स्टेट यानी इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट, और कौन सा टैक्स देंगे, बस दिमाग में रखे रहिएगा। चलिए क्या कह रहा, सुनिएगा, यदि हम गुड्स या सर्विस को अपने ही स्टेट में सेल करें तो सप्लाई इंट्रा स्टेट कहलाती है, जिसे लोकल स्पीक कहते हैं। सपोज यदि हमारा बिजनेस उत्तर प्रदेश में रजिस्टर है
और हम उत्तर प्रदेश में ही सेल करते हैं, चाहे गुड्स हो या सर्विस, तो हमारे लिए क्या कहलाएगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाएगा या लोकल सप्लाई कहलाएगा? क्या कहलाएगा? लोकल सप्लाई। और वही इंटर स्टेट किसे कहेंगे? यदि हम गुड्स या सर्विस अपने स्टेट से बाहर सेल करेंगे तो उसे इंटर स्टेट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगा। सपोज हमारा बिजनेस उत्तर प्रदेश में है, हम बिहार में बेच रहे हैं, तो बिहार में बेच रहे हैं तो क्या कहलाएगा? इंटर स्टेट की इंट्रा इंटर स्टेट। ठीक है, और कौन सा टैक्स देंगे? समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, बिजनेस में दो चीजें कॉमन होती है, क्या? एक आप परचेज करना और एक सेल करना। अच्छा, परचेज करते हैं तो कोई सामान क्या होता है, आता है कि जाता है? इन होता है ना, इन होता है ना, इसलिए परचेज के इनवर्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? और सेल करते हैं तो सामान जाता है ना, उसे हम आउटवर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटवर्ड। या देखिएगा कि परचेज को इनवर्ड सप्लाई बोला जाता है और सेल्स को, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इस बात। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रुक दे रहे हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। अभी जैसे खत्म नहीं हुआ है, कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा आपका मंडे से कंपनी वाला। थैंक यू क्लास।